हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ गणेश जी की फेवरेट मिठाई मोदक। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन रखी है जिसमें मैं एक ग्लास पानी डाल रही हूँ। जो भी आप रेगुलर यूज़ करती हैं घर में ग्लास, उसी ग्लास से मेजर करके आप एक ग्लास पानी डालिए। उसमें अच्छी तरह से बॉयल आने दीजिए। जब तक पानी अच्छी तरह से बॉयल ना हो तब तक उसे उबालते रहिए। हम मैंने ली है मेजरिंग कप से एक कप चावल का आटा। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई भी कप, जो चाय पीने की कप होती है वो थोड़ी सी बड़ी कप आप उसे यूज कर सकते हैं। ये लगभग 150 ग्राम आटा है जिसे मैंने बॉइलिंग वाटर में अच्छी तरह से, अब इसे पकाना है मुझे। चावल का आटा थोड़ा सा मोटा रहता है तो इसीलिए इसको गर्म पानी में उबालना बहुत ज़रूरी होता है। इससे इसकी जो डो है वो स्टिकी बन जाती है, बहुत ही ग्लूई बन जाती है, सॉफ्ट बन जाती है। इसीलिए इसमें हम गर्म पानी डालते हैं। और अब मैं अनसॉल्टेड बटर 3 या 4 चम्मच डालूंगी। आप वो या तो आप जब पानी बॉयल कर रही हैं तब भी आप डाल सकती हैं, अगर जैसे मैं डाली हूँ तो ऐसे भी आप डाल सकती हैं। अब इसे अच्छी तरह से चलाते रहिए ताकि ये नीचे आटा लगे ना और अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। बटर डालने का इसमें यही रीजन है कि ये सॉफ्ट बना रहेगा, इसमें लेयर्स नहीं पड़ेंगे। नहीं तो चावल के आटे में लेयर बन जाती है कि ऊपर का लेयर इसका हार्ड हो जाता है। अब मैं ले रही हूँ पाउडर शुगर। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, लेकिन मैं अपनी मेजरमेंट के हिसाब से इसमें लगभग 3 चम्मच डाल रही हूँ। किसी को कम मीठा पसंद होता है, किसी को ज़्यादा। तो नमक और चीनी, ये इन दोनों का जो टेस्ट आपका है उसी के अकॉर्डिंग आप इसे डालें। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करती हैं तो आप इस 3 चम्मच की जगह 4 चम्मच भी शुगर पाउडर डाल सकती हैं। अच्छी तरह से इसे पकाना है, आटे को अच्छी तरह से हमें पकाना है। इसीलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहिए ताकि लम्स ना बने और ये हार्ड ना हो। कोशिश कीजिए कि नॉन स्टिक पैन ही यूज करें। नॉन स्टिक पैन्स में ये चिपकती नहीं है तो इसलिए ये इजिली रिमूव हो जाती है और इसे मिक्स करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा करके बटर में डाल रही हूँ और उसे मिक्स करती जा रही हूँ। अब आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। अभी आटा बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी लीजिए, थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी लेकर और अच्छी तरह से आटे को मिक्स कर लीजिए। ये थोड़ा जब आटा गुनगुना रहेगा उसी टाइम पे आप इसे मिक्स करते रहिए। उससे क्या होता है, ये सूखता नहीं है आटा। और हमेशा इस आटे को ढक के रखिए क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म रहता है तो इसकी लेयर जम जाती है। अब उसी पैन को ले लीजिए जिसमें हमने आटा मिक्स की है, उसी में मैं ले रही हूँ हाफ मेजरिंग कप से हाफ कप पाउडर दूध का, मिल्क पाउडर। अब इसे स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करते जाइए। जिस कप से मैंने आधी कप दूध ली है उसी कप से मैं आधा कप पानी भी डाल रही हूँ। अब ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। मुझे इसमें एक पूरा कप यूज करना है मिल्क पाउडर, लेकिन मैंने उसे हाफ हाफ करके ली है ताकि वो लम्स को निकालने में मुझे इजिली लम्स इसका निकल जाए, आसानी हो लम्स निकालने में। एक आधा कप मैंने ले ली थी और फिर अब मैंने आधी कप ली है। इसी भी मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी।
अब मेरे पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैं डालूंगी। इसके लिए मैंने ली है बादाम, 10 से 12 बादाम हैं, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर ली है। और अब मैंने लिया है इलायची पाउडर, 2 इलायची कुटी हुई डाली है मैंने। और अब मैं डाल रही हूँ पाउडर शुगर, 2.5 चम्मच मैंने इसमें पाउडर शुगर डाली है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें कम या ज़्यादा, लेकिन नारियल पाउडर का इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिए। मैंने इसमें 3 स्पून ली है नारियल का पाउडर, यानी कोकोनट पाउडर, ड्राई कोकोनट पाउडर जो मार्केट में मिलती है मैंने वही ली है। और अब मैं किशमिश ली हूँ, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली है। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास फ्रेश कोको, देखिए अच्छी तरह से मिक्स कोकोनट पाउडर है। और अब मैंने स्पैचुला की हेल्प से इसे 5 मिनट मुझे लगा है इसे थोड़ा सा थिक करने में, और ये अब अच्छी तरह से थिक हो चुकी है। देखिए अब मेरा जो फीलिंग है खोया वो अच्छी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मैं बाहर निकाल लूंगी। देखिए ये कैसे सिमट गई है, इसका मतलब है कि खोया बिल्कुल तैयार हो चुका है। मावा हमारा जो मैंने हमने जो मावा बनाई वो तैयार हो चुकी है। अब मैंने उसे निकाल ली है, और अब मैं लूँगी एक मोदक मोल्ड, जिसमें मैंने अनसॉल्टेड बटर जो मैंने यूज़ की है वही मैं अच्छी तरह से इसमें लगा लूँगी। इससे क्या होगा, ये चावल का आटा इसमें चिपकेगा नहीं और इजली हमारी मोदक निकल आएगी। अब थोड़ा थोड़ा करके आटा लीजिए और दोनों साइड लगाइए। इसे थोड़ा पतला ही रखें, नहीं तो ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके दोनों तरफ लगा ली हूँ। और अब जो मावा हमने बनाकर तैयार की है उसे मैं इसमें डालती जाऊँगी। दोनों तरफ से दबाकर टाइटली उसे बंद कीजिए और इस तरह से फिंगर से दबाकर रिमूव कर लीजिए। एक्स्ट्रा जो आटा है वो निकल जाएगी और आपकी मोदक बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए कितना ईजी है, बहुत ही ईजी है। तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। अगर आपको कोई भी ऐसे वीडियो देखनी है जो आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी उसी टॉपिक पे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने की। इस तरह से सारे मोदक मैं भर लूँगी, अच्छी तरह से फील करके सारे मोदक बना के तैयार कर लूँगी। देखिए अब मैंने सारे मोदक बनाकर रेडी कर लिए हैं, मेरे सारे मोदक बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसे स्टीम करनी है। इसके लिए मैंने ली है स्टीमर, जो इडली स्टैंड होती है वही ली है मैंने। अगर आपके पास मोमोज वाली स्टैंड है तो आप उसे भी यूज कर सकती हैं। मोमोज का जो बैम्बू वाली होती है वो बहुत ही अच्छी होगी इसके लिए, लेकिन अगर आपके पास इडली स्टैंड है तो ये भी अच्छा यूज होती है इसकी भी, इससे भी हमारा काम बन जाएगा। या फिर अगर आपके पास इस तरह की आटा चालने वाली छलनी है, जो जिस छलनी से हम आटा को छानते हैं, इस छलनी में अलग अलग आप थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, मोदक को रख लीजिए, और इसे भी हम कुकर में या फिर किसी कढ़ाही में इसको बना सकते हैं। नीचे कुछ आप जैसे गैस का स्टैंड है वो लगा सकती हैं और उसके ऊपर हम ये लगा सकते हैं। देखिए अब मोदक बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। इसे स्टीम करने में मुझे 3 से 4 मिनट का टाइम लगा है। ज़्यादा देर उबालना नहीं होता इसे, क्योंकि आटा पहले भी हमने बॉयल की थी। इस तरह से जैसे मैंने ये ली है, क्योंकि इडली स्टैंड छोटा होता है तो गैस की जो ऊपर की बर्न लगाने वाली होती है वो नहीं स्टैंड नहीं आएगी, लेकिन अगर आप पतीला यूज़ कर रही हैं तो उसमें आपके लिए ये बहुत अच्छा स्टैंड का काम करेगा। और छलनी को अब मैंने डाल के बंद कर दी है 3 से 4 मिनट के लिए। देखिए हमारा मोदक बिल्कुल रेडी हो गया है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।